नमस्कार दोस्तों, एसआर क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम रीजनिंग में पढ़ रहे थे गणित। आगे देखते हैं गणित से संबंधित क्वेश्चन। तो मैंने कहा था दोस्तों, गणित में तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कोण ज्ञात करना, एक दर्पण से संबंधित होता है और एक समय से संबंधित होता है। तो हमने कोण ज्ञात करना भी देख लिया था, दर्पण के भी क्वेश्चन देख लेते हैं और आज देखेंगे हम समय ज्ञात करना। सही है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। समय सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, घड़ी में ये हमारी घड़ी है। तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। सही है दोस्तों। तो हमारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, एक तो पूछा जाता है इसमें नब्बे डिग्री कोण से संबंधित, नब्बे डिग्री का एंगल, यानी ये नब्बे डिग्री का कोण हो गया। सही है दोस्तों, नब्बे डिग्री को कहते हैं समकोण भी कहते हैं, समकोण और लंबवत कोण भी कहते हैं। सही है। एक आता है 180 डिग्री का कोण, 180 की डिग्री का कोण यानी ऐसे विपरीत, ये पूरा गोला 360 डिग्री का होता है, ये तो आपको पता है दोस्तों। तो यहाँ पे 1 रुपये में 54 यानी 25 पैसे, तो इसको कहते हैं हम समकोण या 90 डिग्री का कोण। यहाँ पे 180 यानी विपरीत कोण हो गया, घड़ी को दो भागों में काटता है यहाँ पे देख। सही है, इसे हम विपरीत कोण भी कहते हैं। एक किसी का नाम है सरल कोण, सरल कोण, और भी नाम जिस प्रकार से घड़ी को दो भागों में काटना। सही है। एक होता है दोस्तों 360 डिग्री का, 360 डिग्री का कैसे, जिस प्रकार से ये मिनट की सुई है, घंटे की सुई है, मिनट की सुई पूरा राउंड काट के दोस्तों फिर से यहाँ पे आ जाए, यानी सुई ऊपर नीचे, यहाँ पे ही तो मिनट की और यहाँ पे ही घंटे की, उसको हम 360 डिग्री का कोण भी कहते हैं। इस कोण को हम 0 डिग्री भी कह सकते हैं, क्योंकि अंतर कुछ नहीं है ना, यहाँ पे ऊपर नीचे 360 का ही बोलते हैं, 0 डिग्री का ही बोलते हैं। इसे ओवरलैपिंग भी कहते हैं, OVRLI लैपिंग कोण भी कहते हैं। सही है, 360 का भी कहते हैं, 0 डिग्री का ओवरलैपिंग भी, और आच्छादित भी नाम से बोलते हैं, एक अच्छा दे देती होता है। एक इसका नाम होता है सुई ऊपर नीचे, सुइया पर नीचे। दोस्तों, हमारे उस समय याद करने के लिए ये तीन कोण याद होना चाहिए। एक तो 90 डिग्री के संबंधित, एक होता है 180 से, एक 360 डिग्री से। इनसे ही क्वेश्चन आता है दोस्तों, जिस प्रकार से क्वेश्चन आता है हमारे 2:03 के मध्य 90 डिग्री का कोण बनेगा, जैसे 4:05 के मध्य 90 डिग्री का कोण बताइए, या 10 और 11 के मध्य 180 डिग्री का कोण बताइए, 12:01 के मध्य 360 डिग्री का कोण बताइए। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तभी हमें आप सबसे पहले हम देखेंगे 90 डिग्री का कोण ज्ञात करना। सही है दोस्तों, नब्बे डिग्री का कोण, यानी कि ये नब्बे डिग्री का कोण बन गया। सही है, एक तो ऐसे बनता है नब्बे डिग्री का कोण, और एक ऐसे बनता है नब्बे डिग्री का कोण। सही है दोस्त, तो मैं कह सकता हूँ कि नब्बे डिग्री का कोण, एक तो 3 बजे और एक 9 बजे बनता है। सही है,
जिस प्रकार से एक घंटे में 90 डिग्रियां कोण 2 बार बनता है, 1 घंटे में 90 डिग्रियां कोण 2 बार बनता है, तो मैं बताऊं बोलूं आपको कि 12 घंटे में कितनी बार बनेगा। 1 घंटे में 90 डिग्रियां कोण 2 बार बनता है, तो 12 घंटे में 90 डिग्रियां कोण कितनी बार बनेगा? 12 घंटे में कौन बनेगा? 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 12 घंटे में बनेगा 22 बार। अब 22 बार कैसे बनेगा दोस्त? मैंने कहा कि 1 घंटे में 2 बार बनता है, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, तो यहाँ पे चार और यहाँ पे पांच, सही है। अब यहाँ से यहाँ पे आया, 2 बार तो यहाँ पे बन गया, यहाँ से यहाँ पे 2 बार यहाँ पे, लेकिन यहाँ से यहाँ पे आने पे एक रही 2 घंटा हो गया ना, 2 घंटे में यहाँ पे 3 बार ही बनेगा, 2 के और 4 के मध्य 3 बार ही बनता है, वो 3 बजे बनता है। जिस प्रकार से मैं क्वेश्चन पूछूँ आपको कि 2 और 3 के मध्य 90 डिग्री कोण कितने बजे बनेगा, 3 बजे बनेगा, 3 और 4 के मध्य भी 3 बजे ही बनेगा। इस प्रकार से यहाँ पे 3 बार ही बनता है, 2 और 4 के मध्य 3 बार, 5 और 6 के मध्य 2 बार, 6 और 5, 6 के मध्य 4, 5 के मध्य 2 बार, 5, 6 के मध्य 2 बार, 7, 8 के मध्य 2 बार और 8 से 10 के मध्य 3 बार ही बनता है, यहाँ पे भी 3 बार ही बनेगा, क्योंकि 90 डिग्रियां कौन नहीं तो 3 बजे बनता रहे कि 9 बजे बनता है, तो यहाँ पे अपवाद स्वरूप आता है, तो यहाँ पे 3 बार ही बनेगा, और यहाँ से फिर 2 बार, और यहाँ से फिर भी 2 बार। अब इन सबको ऐड कर लेंगे तो 22 ही आएगा। देखते, 2 और 2 4, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, तो 12 घंटे में कितनी बार बना? 22 बार ही बना। दो अपवाद रूप कौन से हैं? 2 का 4 का 10 का 8 का, तो यहाँ पे फिक्स 9 बार और यहाँ पे 3 बार बनता है, सही है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण 12 घंटे में 22 बार बनता है। इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन बोलूँ आपको कि 90 डिग्री का कोण 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? एक घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में बनेगा ये 44 बार, सही है दोस्तों, 24 घंटे में 44 बार बनता है। अब क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन है, 4 व 5 के मध्य 90 डिग्रियां कौन बनेगा? चार और पांच के मध्य 90 डिग्रियां कौन कब बनेगा? तो हल करेंगे, तो बताना है कि 4 और 5 के मध्य 90 डिग्रियां कौन कब बनेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सूत्र होता है दोस्तों, हमारे को सूत्र याद करना होगा, 60/11 गुणा बजे +-3, ये हमारा सूत्र है, 60/11 गुणा बजे +-3। तो यहाँ पे बजे कौन सा समय लेना है हमारे को? जो पहले आता है यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे 4 आ रहा, तो यहाँ पे 4 ही लेना है। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो हम एक बार तो प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे है कि 60/11 गुणा बजे यानी 4, 4 को हम एक बार प्लस में लेते हैं, 4 3 7, 7 को हम 6 से गुणा करेंगे, 7 6 42, यानी 420/11, 420 में हम 11 का भाग देंगे, 11 3 33,
यहाँ पे 9, 11, 8, 88 और बटा एक, तो कौन कब बनेगा, 4:38 सही, 2/11 सही है दोस्तों। पहला कौन कब बनेगा, 4:38 सही, 2/11 मिनट पर बनेगा। इसी प्रकार अगर दूसरा कौन देखते हैं तो वही करना हमारे को, 60/11 × बजे। यहाँ पे प्लस में लिया तो यहाँ पे माइनस में लेंगे, तो करेंगे अब तो 60/11 × 4 − 3, 4 में से 3 गया तो 1, यानी 60/11 × 1, तो 60 में वो 1 से गुणा किया तो 60, तो 60/11, तो 60 में हम 11 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 5 सही 5/11। दूसरा कौन कब बनेगा, 4:05 सही 5 मिनट पर बनेगा, 5 सही 5/11 पर सही है दोस्तों। यानी कि हमारा पहला कौन कब बना, 38 सही 2/11 पर। दूसरा कौन कब बना, 4:05 सही 5/11 पर सही है दोस्तों। तो हमारे दो कौन बन गए, 1 घंटे में 4 और 5 के मध्य 2 समय दर्शाता है, यानी 38 सही 2/11 और यहाँ पे 5 सही 5/11। आप इस प्रकार से नहीं करते हो तो दोस्तों एक सूत्र और बताता हूँ, वह जो सभी में लागू होगा, चाहे आप इसमें लगा लेना, चाहे इसमें, किसी भी क्वेश्चन पे रख लेना, हर क्वेश्चन पे लागू होगा दोस्तों। जिस प्रकार से यहाँ पे मान है 30 हावर प्लस माइनस थीटा 2/11, ये हमारा सूत्र, ये आपके यहाँ पे भी लागू होगा, इसमें भी लागू होगा और इसमें भी, मतलब कि है हमारा घड़ी वाले टॉपिक में समय ज्ञात करने के लिए ये सूत्र कहीं पे भी लगा लेना दोस्तों, सब में लगेगा ये सूत्र। तो हल करेंगे सबसे पहले, अब यहाँ पे 30 एच यानी हावर, हावर यानी घंटा, जिस प्रकार इसी में देखते हैं हम 4 या 5 के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो यहाँ पे घंटा कितना, पहले 4 है तो 4 ही लिखेंगे, तो यहाँ पे × 4। अब यहाँ पे आप देखोगे प्लस लेना है कि माइनस, तो आपको पता है यहाँ पे अगर थीटा का मान ज़्यादा है और यहाँ पे माइनस लेंगे तो नेगेटिव में चला जाएगा, तो आपको भी पता है कभी भी आंसर हमारा मिनट नेगेटिव में नहीं जाती। अगर यहाँ पे आप प्लस लेते हो तो 60 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 60 मिनट बाद में तो घंटा ही चेंज हो जाता है। जिस प्रकार से 4 और 5 के मध्य, अब मैं बोलूँ कि 4 और 5 मिनट में 90 डिग्री कौन बनाए, अगर मिनट ही 60 से अधिक आ रही है, जैसे 65 मिनट आ रही है, तो कब बनेगा, 5:05 पे। इस प्रकार का मान को ध्यान रखना है। इस प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने लिया माइनस का चिन्ह, थीटा, थीटा का मान कितना है यहाँ पे 90, तो हम यहाँ पे 90 रख लेंगे, कॉस 11/2। यहाँ पे हल करेंगे, 4 + 12 यानी 120 − 90, 11/2, 120 में से 90 निकाला कितना बचा, 30, और 30 × 2/11, 30 को 2 से किया तो 60, तो 60/11, 60 में 11 का भाग दे दो वही 5 सही 5/11। तो पहला कौन कितने बजे बना, 4:05 सही 5 मिनट, उस वाले सूत्र से भी आंसर आया था और इससे भी हमारा आंसर वही आया, जिस पर अब यहाँ पे लेते हैं प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे रखेंगे 30 हावर का मतलब 4 × 4, यहाँ पे पहले माइनस लिया तब प्लस लेना है, प्लस कितने कौन कितने का है 90 का, तो यहाँ पे 90 रख लेंगे, 2/11, तो 4 + 12, 120 में से 90 प्लस करेंगे तो 210, 210/2 × 11, 210 × 2/11, अब 210 को 2 से गुणा करेंगे, 420/11, 420 में हम 11 का भाग देंगे, 11 + 33 वही 38 सही 2/11। दूसरा कौन कब बनेगा, 38 सही 2/11, उस वाले सूत्र से भी हमारा आंसर यही आया था और इस वाले सूत्र से भी हमारा आंसर यही आया था,
लेकिन दोस्तों ये सूत्र सब ये सूत्र 180 वाले डिग्री में भी लगेगा, 360 वाले में भी लगेगा। सही है। और देखते हैं क्वेश्चन। दस व 11 के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनेगा बताना है दोस्तों। दस व 11 के मध्य 90 डिग्री का कोण निकालिए, कितने बजे बनेगा तो हल कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले 10 हमारा सूत्र था, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इससे नहीं करना चाहो तो आप इससे भी कर सकते हो। या तो आप फर्स्ट या सेकंड, लेकिन आपके लिए ये बेस्ट रहेगा दोस्तों, ये इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा। लेकिन यहाँ पे ये वाले इस वाले सूत्र में यहाँ पे बस 6 आ जाएगा, 180 वाले डिग्री में यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 360 वाले में ये सब हट जाएंगे, आप कोई से भी सूत्र रख सकते हो। अब यही तो सूत्र 360 का हो गया, और यही सूत्र 180 के लिए वही प्लस माइनस 6, ये 180 का हो गया। 90 डिग्री के लिए यहाँ पे वही प्लस माइनस 3। यहाँ पे बस ये थोड़ा सा चेंज करना होता है, और यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना होता। लेकिन यहाँ पे हमारे को नेगेटिव का और 60 मिनट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमारे को ध्यान रखना है दोस्तों, जो आपको आगे यहाँ पे 180 वाले क्वेश्चन में आएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे तो एक 90 डिग्री या समकोण में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो 1 घंटे में 2 बार बनता है, तब नहीं आ रहा। सही है दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन था 10 और 11 के मध्य 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो रखेंगे हम सूत्र में रखेंगे, तो यहाँ पे 60/11 कोष्टक, बजे कितने बज रहे हैं 10। अभी यहाँ पे प्लस करेंगे एक माइनस, प्लस करते हैं तो यहाँ पे 13 आता है। अब आपको पता है घड़ी में तो 12 ही बजता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 13 है तो 12 माइनस करेंगे, 12 माइनस करेंगे 13 में तो कितना बचा 1, यानी कि 60/11 गुणा 1, इन दोनों को ऐड किया तो 13। अभी 12 से दिखाता है तो उसमें 12 माइनस करेंगे, 12 माइनस किया तो 1 बचा, 1 को 60 से गुणा किया तो 60/11, तो यहाँ पे आया 5/5/11। तो पहला कौन कब बनेगा, 10:05 पे, 5/5/11 पे बनेगा। इसी प्रकार दूसरा कौन देखते हैं, तो यहाँ पे प्लस कर लिया तो यहाँ पे माइनस का ले लेंगे, 60/11 10, यहाँ पे प्लस का तो यहाँ पे माइनस का करेंगे, 10 में से 3 गए तो 7, यानी 60/11 गुणा 7, 7। यहाँ पे हल करेंगे, 60 को 7 से गुणा, 7 6 42, यानी कि 420, 420 में हम फिर 11 का भाग देंगे, कितना है 38/2/11, यानी कि हमारा पहला कोण तो बना 5/5/11, दूसरा कोण बना 38/2/11। सही है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और हम कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन, कल चलेगा हमारा 180 वाला।